वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग संगत जी। सो आज स्टार्ट करते हम पौड़ी नंबर 16, पंच परवान पंच प्रधान वाली पौड़ी। एंड पहली पंक्ति, पंच परवान पंच प्रधान। यहाँ पे ध्यान देना है, पंच कहना है, पंज नहीं कहना, काफियों का पंज निकल जाता है। सो ये जज्जा नहीं है, चच्चा है। सो पंच परवान, एंड देन जो परवान अक्षर है और जो प्रधान अक्षर है वो पप्पा रारा पूरा बोलना है। सो प्र नहीं कर देना, जैसे प्रसाद में हम प्रसाद कर देते हैं, वो नहीं करना। इधर पप्पा रारा है, सो पप्पा रारा पूरा ही साउंड देगा। सो परवान एंड प्रधान, और जो प्रधान अक्षर है उस पे भार देना है ऑब्वियसली, क्योंकि वो तद्दा है एंड तद्दे के ऊपर हमको प्रेशर देना जरूरी है। सो प्रधान, अगर आप प्रेशर नहीं दोगे तो फिर वो प्रधान हो जाएगा, तो प्रधान नहीं करना हमने, क्योंकि सो प्रधान। तो पंच परवान पंच प्रधान। नेक्स्ट, पंचे पाव है दरगह मान, पाव है और दरगह, ठीक है। इधर वही सेम एक तरीके का रूला जो हमने पहले सेशंस में भी देखा हुआ है, हाहे में से हारी है और उसके सामने वाला अक्षर मुक्ता है। सो उसमें क्या होगा कि वव्वे और हाहे दोनों के ऊपर सुखम दुलावा की साउंड आएगी। सो पाव है, सो इसको ना ही हमने पावहे पढ़ना है, सो ऐसे नहीं कहना कि पंचे पावहे, पावहे नहीं, और ना ही पावह कहना है। कई जगह हमारा क्या होता है कि हाहे की साउंड आती ही नहीं है बिल्कुल भी। सो मेक श्योर कि जो एंड में हाहा लगा हुआ उसकी साउंड भी आ रही है। सो पंचे पावह दरगह मान, सेम चीज अप्लाइज फॉर बोथ, दोनों अक्षर की एंडिंग सेम ही है ना, आहे से हारी है और सामने वाला मुक्ता है, तो दोनों में सेम रूल अप्लाई होगा। तो पावह और दरगह, तो पंचे पावह दरगह मान, पंचे सोह दर राजान, इधर भी सेम अक्षर है सोह है, हाहे में से हारी आ गया फिर से और सामने वाला फिर मुक्ता हो गया। सो दोनों हाहे के ऊपर सूखम दुलावा देंगे हम, हो सोह है सोह है। तो इसको ना ही हमने सोह है पढ़ना है और ना ही सो है पढ़ना है, तो पंचे सोह है दर राजान। हाँ जी, और मेक श्योर कि दोनों हाहे की साउंड जरूर आ रही है, क्योंकि मोस्टली हमारा ये होता है कि एक हा हा मिस कर जाते हैं, सो सोहे हो जाता है वो, सर तो दोनों हाहे की आवाज आनी चाहिए। सो है की साउंड आएगी, सो है पंचे सो है दर राजान, और दर राजान अलग अलग अक्षर है तो अलग अलग ही पढ़ना, दर राजान नहीं करना, क्योंकि अगेन दोनों में दर रारे में खत्म हो रहा है और राजान रारे से स्टार्ट हो रहा है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम उसको जोड़ दें, तो दर राजान नहीं करना, दर राजान। पंचा का गुर एक ध्यान, यहाँ पे कुछ है नहीं खास फोकस देने वाला, ये सिंपल है सारे अक्षर। पंचा का गुर एक ध्यान, जे को कह करे विचार, यहाँ पे अगेन जे को अक्षर जो है उसको अलग अलग पढ़ना है, जे को नहीं करना, तो जे को कह नहीं, जे को कह, क्योंकि इधर मीनिंग ये आ रही है कि जे को कह कि अगर कोई, जे को अगर कोई ऐसे करे, तो जे को कह अगर कोई कहेगा या विचार करेगा, करे विचार, महाराज वो कह रहे हैं। सो इधर प्रॉपरली हमको दोनों में स्पेस देनी है, जे को कह, एंड देन मेक श्योर कि कह की अक्षर साउंड आ रही है, कहे नहीं आ रहा, एंड लास्ट में जो विचार अक्षर है उस पे विचार में भी हारी है, तो विचार लंबा जाएगा, विचार नहीं विचार। तो जे को कह करे विचार, करते कह करणे नाही सुमार। अब यहाँ पे पहले तीन अक्षर है मोस्टलियों की इधर रॉन्ग हो सकता है, कि इधर ना जो लावा और दुलावा की कॉम्बिनेशन आती है, पहले अक्षर में करते के ऊपर ला है सिंगल मात्रा है, और कह और करणे दोनों के ऊपर दुलावा है, तो ना वो हम मिक्स कर जाते हैं कई बार, तो करते के करने हो जाता है, या कईयों का करता है के करने हो जाता है, तो वो ध्यान देना है कि जो सिर्फ पहले वाला अक्षर है उसमें लाएं
कै और करण दोनों में दुलाव है, सो उनकी जो साउंड आएगी वो आएगी करते कै करण नाही सुमार। सो करते कै करण नाही सुमार। नेक्स्ट, तौल धर्म दया का पूत। पहली चीज तौल, तौल को हमने मेक श्योर कि हम कनाड़े की साउंड दे रहे हैं ऊपर, जो कनाड़ा लगा हुआ है उसको तोल नहीं कर देना, तौल। एंड देन धर्म दया, जो दया है वो ईडी के साथ है, सो दया, तदा ईडी से हरी ए एडे करना आ, सो दया दया नॉट दया। काफी जगह हम क्या करते हैं कि ईडी को मिस कर जाते हैं एंड वी जस्ट से लाइक दया, या कई बार हम ये भी कह देते हैं कि दया, हिंदी वाला जो होता है ना सिर्फ द और य में भी हम खत्म कर देते हैं, सो दया ऐसे नहीं कहना, ईडी के साथ है ना ये, सो दया कहना है, द ए आ, सो दया। तो तौल धर्म दया का पूत, एंड देन का पूत अलग अलग है, इकट्ठा नहीं करना, कापूत नहीं कापूत। नेक्स्ट, संतोख थाप रखिया जिन सूत। संतोख में जो खख है मेक श्योर कि खखे की साउंड पूरी आ रही है, संतोख ख में ही एंड होना चाहिए, जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं कि ख बिल्कुल ही पोला सा रख देते हैं और वो कक्के में कन्वर्ट हो जाता है कई बार, तो वो नहीं करना। संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझे हो वह सचयार। अगेन जे को अलग अलग पढ़ना है, बुझे इधर भी समझने की बात हो रही है, सो बुझे के ऊपर प्रेशर देना हमने, बुझे नहीं बुझे, जे को बुझे हो वह सचयार। तबले ऊपर केता पार, तबले ऊपर, कूड़ा जो है वो औंकड़ के साथ है, सो हमने ऊपर नहीं कहना, तो ऐसे नहीं कि तबले ऊपर केता पार, नहीं, तबले ऊपर केता पार, हल्की सी साउंड आएगी उसकी, तबले ऊपर केता पार। नेक्स्ट, धरती होर पर है होर होर। यहाँ पे विश्राम का ध्यान देना है, मोस्टली हमारा विश्राम हम होर पे लगा देते हैं, धरती होर पर है होर होर, है ना, हम मोस्टली ऐसे कहते हैं, बट ध्यान देना है कि इधर जो विश्राम है हमारा वो परे के ऊपर है, होर के ऊपर नहीं है, सो धरती होर पर है होर होर। नेक्स्ट, तिस्ते पार तले कवण जोर। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे विश्राम में हो सकती है कि कंफ्यूजन कि हम पार के ऊपर विश्राम लगाते हो, तो तिस्ते पार तले कवण जोर ये भी हम ऐसे कहते हो, बट ऐसे नहीं कहना, तले के ऊपर विश्राम है, तो तिस्ते पार तले कवण जोर। और तिस्ते अलग अलग पढ़ना है क्योंकि वो अलग अलग अक्षर ही है, तो तिस्ते नहीं कहना, इट विल गो लाइक तिस्ते पार, नॉट तिस्ते पार, तिस्ते पार। एंड देन तले, तले को हल्का ही पढ़ना है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं देना, सो तले नहीं कहना, तले तले मीन्स नीचे, तिस्ते पार तले कवण जोर। जिय जात रंगा के नाव, जिय एड है जिय में, सो एडे की साउंड भी आनी चाहिए, सो जिय नॉट जी, सिर्फ जी कह के खत्म नहीं करना, जिय जात रंगा के नाव, नाव है लास्ट में नाव में, सो काफी जने नाव कह देते हैं, सो नाव मेक श्योर कि वो नाव नहीं कह रहे हम, नाव है, सो वव्वे के साथ ही एंड होगा, जिय जात रंगा के नाव। सबना लिखिया बुढ़ी कलाम, सबना, अब यहाँ पे पब्बा आ गया, पब्बा अगेन भारी अक्षर है, सो इस पे भार देना हमने, सो सबना सबना, अगर आप भार नहीं दोगे तो वो फिर वो बब्बे के साथ आ जाएगा, सो फिर वो हमने सबना नहीं कहना, सो अगर दोनों के एक साथ मैं कहूँ सो उनकी साउंड एक कैसी आएगी, एक सबना 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 सबना, ठीक, सो आई होप आपको फर्क सुन रहा होगा। सो सबना लिखिया वुड़ी कलाम, बस इसमें एक ही चीज नोट करने वाली है जो कि पब्बे के ऊपर पार देना हमने।
एहो लेखा लिख जाने कोय, एहो सो ये ध्यान देना, एहो अगेन ईडी लंबी है और हाहे औंकड़ है, सो एहो कहना है, एहो नहीं कहना, ना ही हमने लाइक एहो हाहे में होड़ा नहीं लगाना, क्योंकि अगर हमने नॉर्मली एहो कह दिया तो क्या होगा कि दोनों का हमने इक्वल साउंड दे दी, ईडी को भी उतनी ही जगह दे दी, हाहे को भी उतनी जगह दे दी, तो उसमें क्या होगा कि वो फिर इसकी साउंड आ जाएगी, हाहे में होड़ा जो लगा हुआ है, सो हमने ये नहीं करना। सो एहो लेखा लिख जाना है, गिन जाना है में भी तुलावा है, सो जाना है कहना है, काफी बार हम जाने कह देते हैं, सो जाने नहीं कहना, जाना है। एंड लास्ट में भी सेम रूल, कोए कक्का लंबा इडी छोटी, कोए, तो इन टोटल एहो लेखा लिख जाना है कोए, लेखा लिखया केता होए, यहाँ पे बस लास्ट वाले अक्षर में ध्यान देना है, होए हाहा लंबा इडी छोटा, सो होए लेखा लिखया केता होए, केता ताण सवाले हो रूप। अभी इधर सवाले हो अक्षर जो है उस पर ध्यान देना है थोड़ा सा, सवाले हो हाहे के साथ एंड हो रहा है, ना कि कूड़े के साथ, मोस्टली हमारे ये होते हैं कि हम लास्ट में उड़ा लगा देते हैं, तो मेक श्योर कि हम उड़ा नहीं लगा रहे इधर, जो कि ओपन वाला उड़ा होता है, दैट टू वो नहीं करना। सो ऐसे नहीं कहना हमने सवाल ले ओ नहीं, नॉट दिस, और ना ही सोहाले ओ, कई बार हमारा इधर भी हम हाहा लगा देते हैं, सो वो हाहे की साउंड नहीं आनी चाहिए, सो इधर ऐडा है ना, सो ऐडे की साउंड ही आएगी, सो सवाले हो, सो आ ले हो, सवाले हो, केता ताण सवाले हो रूप, केती दाते जाने कौन कूत, इधर कौन अगेन कनौड़े के साथ है, सो कौन कहना है, नॉट कौन, जिनकी कनौड़े के प्रोनाउंसिएशन में है दिक्कत उनको प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे, सो मेक श्योर कि हम कौन कह रहे हैं, केती दाते जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ। अभी यहाँ पे है पसाओ, जो उड़ा है वो औंकड़ के साथ है, विच इज अगेन छोटी मात्रा, सो इसको पसाओ कहना है, पसाओ नॉट पसाओ, हमने ओपन नहीं रखना उड़ा जो है लास्ट में, अगर क्योंकि अगर अगर हमने उड़ा ओपन रख दिया देन फिर वो ये साउंड आ जाएगी, पसाओ नहीं कहना, तो बंद कर देना हमको औंकड़ को जल्दी से जल्दी, तो पसाओ पसाओ, कीता पसाओ एको कवाओ। जो एको अक्षर है यहाँ पे देखो दोनों के ऊपर दीर्घ मात्रा है, सो ईडी के ऊपर जो लाइन वो भी लंबी है और कक्के के ऊपर जो ओ है वो भी लंबा है, सो दोनों को इक्वल ही हमने स्पेस देना, तो यहाँ पे ए को नहीं कर देना, सो दोनों को इक्वल आवाज देनी है, एको एको कीता पसाओ एको कवाओ, ये आपका नॉर्मली फ्लो फ्लो में ही निकल जाएगा, इस पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, सो कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। यहाँ पे अब जो होए अक्षर है ना, अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि होए अक्षर नॉर्मली गुरबाणी में काफी जगह ईडी के साथ भी आता है, ठीक है, सो हमारी अगर हम ज्यादा ध्यान दे के पढ़ रहे हो तो क्या पता हम शायद इधर भी हम सिहारी ही लगा दें, ठीक है, तो वो नहीं कहना, सो होए नहीं कहना, सो डोंट गो लाइक कि तिस्ते होए लख दरियाओ, नहीं, इधर होए दोनों दीर्घ मात्रा है, राइट, सो तिस्ते होए लख दरियाओ, ठीक है, सो होए दोनों लंबे ही जाएंगे, ईडी छोटा नहीं होगा, इक्वली स्ट्रेच करना दोनों को, और लख अक्षर जो है उस पर थोड़ा बहा देना है, बिकॉज वो काउंटिंग की बात हो रही है, लख नॉट लख, एंड दरियाओ, काफी जगह हम दरियाओ कह देते हैं, रारे में सिहारी लगा देते हैं, सो सिहारी नहीं लगानी, दरियाओ, सो अगेन तिस्ते होए लख दरियाओ। और अगेन इधर जो दरियाओ वाला अक्षर लास्ट में जो अंक उड़ा भी है ना, अगेन वही वाली चीज है, इधर ये बंद अक्षर है तो इसको हमने जल्दी से जल्दी खत्म करना है, तो दरियाओ नहीं कहना, बिकॉज हमने दरियाओ कह दिया तो फिर वो ओपन उड़ा हो गया, ओपन उड़ा नहीं करना, ये छोटी साउंड है
तो एड ए को स्ट्रेच करना है क्योंकि इसमें कन्ना लगा हुआ है, और ओ को जल्दी से जल्दी बंद कर देना है। तो दरियाओ दरियाओ तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार। विचार अगेन वे में जो है वो बिहारी है तो लंबी साउंड आएगी। विचार कुदरत कवन कहा विचार, वार्या न जावा एक बार। वार्या न जावा, ठीक है, ना नहीं कहना हमने, तो वार्या ना जावा नहीं कहना, वार्या न जावा, न जावा है उनको अलग अलग पढ़ना है, वार्या न जावा, ठीक है, मेक श्योर कि वो जुड़ ना जाए, न जावा ना हो जाए वो। और जावा अक्षर विदाउट बिंदी के साथ ही पढ़ना है, वब्बे के ऊपर बिंदी नहीं लगानी, सो जावा नहीं कह देना, जावा। वार्या न जावा एक बार, और लास्ट में वार कहना है, नॉट बार, ठीक है, बिकॉज हिंदी में हम बार कह देते हैं ना, तो वो हमको याद हो। सो बब्बा नहीं है यहाँ पे, वब्बा है। तो वार्या न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार। तुद अक्षर जो है इस पे भार देना है, और अगेन क्योंकि तद है, अगर आप भार नहीं दोगे तो वो तुद हो जाएगा, तो तुद 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 तुद, ठीक है, तो इस पे भार देना है। नॉर्मली क्या होता है कि जो तद्दे के ऊपर जो हमको भार देना होता है ना, वो तत्ते के ऊपर जो उसके सामने वाला अक्षर है उस पर ट्रांसफर होता है मोस्टली इन केसेस में। तो आप नोटिस भी करोगे कि तत्ते के ऊपर भार आ रहा है, सो तुद तुद, और जो दूसरा है वो होगा तुद, सिंपली तुद। एंड साई कहना है, नॉट साई, ना सस्ते के ऊपर बिंदी लगानी है, ना ईडी के ऊपर बिंदी लगानी है, साई विदाउट बिंदी है, जैसे लिखा है वैसे पढ़ना है। तो जो तुद भाव है साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। यहाँ पे जो पहला अक्षर है तू, वो विदाउट टिप्पी है, सो विदाउट टिप्पी ही पढ़ना है, सो तू कहना है, नॉट तू, नाक से आवाज नहीं आनी चाहिए, मुंह से ही आनी चाहिए पूरी की पूरी, तू तू सदा सलामत निरंकार। इसमें सिर्फ इतना ही था, तो दैट्स इट फॉर टुडे संगत जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।